प्राइम मिनिस्टर मोहतरम साहब ने एक गरीब आवाम को तोहफा दिया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मार दे इमरान खान, हमारे को मार दे, जानते थे। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। ये खड़ी हुई गाड़ियाँ देखो, वो खड़ी हुई गाड़ियाँ देखो, किधर जावे हम? हमारे गरीब लोगों का क्या बनेगा? हमारे को तबाह और बर्बाद कर दिया तुमने, हमारे घर का किराया नहीं निकल दे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, हमारे बच्चे स्कूल से हट गए, ये कौन सा पाकिस्तान है? जी मैं हूँ आपका मेजबान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। रात के अंधेरे में एक बार फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम साहब ने एक गरीब आवाम को तोहफा दिया है। उस तोहफे की खुशी कितनी एक आम आदमी को, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमने मोटरसाइकिल मार्केट का विज़िट किया कि मालूमात करते हैं पेट्रोल की मसूआत बढ़ने के बाद क्या सूरत हाल है। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल पे ब्रोकरी करने वाले शख्स जो एक मोटरसाइकिल को बेच के या ख़रीद के 200 या 300 रुपये कमाते थे, उनसे हम गुफ्तगू सुन करेंगे कि वो इस सूरत हाल में किस परेशानी से दो चार है और क्या सोचते हैं। भाईजान पेट्रोल बढ़ गया है या कम हो जाता है, इससे एक आम मोटरसाइकिल खरीदने पे या बेचने में क्या असर पड़ता है? सर अभी पहले तो हम इसमें 100-200 रुपए कमा लेते थे, खुदा रसूल की कसम एक गाड़ी नहीं बिक रही है। ये खड़ी हुई गाड़ियाँ देखो, अच्छा। वो खड़ी हुई गाड़ियाँ देखो, किधर जावे हम? क्या करें, मर दे इमरान खान, हमारे को मार दे, जानते। ये ले चप्पलें भी ले, तू ले हमारा सब कुछ, हमारा घर का किराया भी नहीं निकल रहा, तेरे को अल्लाह का वास्ता यहाँ से घर को, इस पाकिस्तान पे रहम कर, ये रहम कर, तेरे लायक नहीं है ये, तू जाके क्रिकेट खेल, हमारे को तबाह और बर्बाद कर दिया तूने, हमारे घर का किराया नहीं निकल रहा, हमारे बच्चे स्कूल से हट गए, ये कौन सा पाकिस्तान है? कहाँ का पाकिस्तान है? कहाँ का इंसाफ है ये? हमारे साथ रहम कर, हमारे घर का किराया भी नहीं निकल रहा, तुझे खुदा का वास्ता यहाँ से घर को, हमारे हाल पर रहम कर दे। हमारा माल खड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है, दुकान हमारी सूनी पड़ी हुई है यार। आप यहाँ पर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं आप मालिक है दुकान के? मैं मजदूरी करता हूँ भाई, घर मेरा किराए का है, ठीक है, खुदा की कसम एक आज गाड़ियाँ बेच लेता था, एक एक महीना हो गया मैंने एक गाड़ी नहीं बेची है यार, मैं तबाह और बर्बाद हो गया यार। ऐसे होता है कोई? ऐसे वजीर आजम है? कौन सा वजीर आजम है यार? मैंने भुट्टो साहब की भी हुकूमत देखी है, सबकी मैंने हुकूमत देखी है, कभी खुदा की कसम ऐसा नहीं हुआ जो ये हो रहा है यार। मुझे इसको मरना नहीं है, इसको जिंदा ही देना है, इसको अल्लाह के घर जवाब नहीं देना है, इसको सब जगह जवाब देना, हमारे को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्हें यार। ऐसा नहीं करो यार, 200-250 मजदूर हैं, वो बेचारे यही करते हैं, वो अल्लाह की कसम उनका हाल तो देखो जाके, उनके घरों पे रोटियां नहीं है, चूल्हे ठंडे पड़े, उनकी लाइटें कट गई, बिजली की लाइटें कट गई, उन लोगों की कांचे भरे, बच्चों जो स्कूल पढ़ते थे खुदा की कसम उनको घर बिठा दिया गया यार। कौन सा ये हमारी जेबों में पैसे नहीं है, चारों ने खुदा की कसम रोटी खाने के पैसे नहीं है यार, ये कौन सा पाकिस्तान है? मजदूरी है ही नहीं तो होगी कहाँ से? पहले 100 रुपये 50 रुपये बनते थे, अभी तो 50 रुपये भी नहीं आ रहे, ये भी असल जा रहे हैं हमारे, बल्कि और कर्जदार हो गए। हमारे साथ यहाँ पर मजदूर लोग हैं जो इतने जज्बाती हो रहे थे कि इन गरीब आदमियों को पिसने से बचाने के लिए कोई ऐसा इकदाम करे। कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद।